দেখো, রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ দেখো, আজ আমরা বাইব্যাক স্টার্ট করেঙ্গে, ঠিক হ্যায়, বাইব্যাক অফ শেয়ার। তো বাইব্যাক ক্যা হোতা হ্যায় দেখতে দেখো। बाईबैक ऑफ शेयर्स, बाईबैक ऑफ शेयर्स का मतलब है कि नॉर्मली शेयर्स का मतलब हमें क्या लगता है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो प्रेफरेंस बाईबैक का मतलब क्या है, फिर से शेयर थोड़ी ना कंपनी परचेस करती है, कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर होल्डर जो होना चाहते हैं वो शेयर परचेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कंसेप्ट हो रहा है, कंपनी खुद ही खुद का शेयर बायबैक कर रही है, मतलब बेसिकली शेयर होल्डर को पैसा देके शेयर खरीद रही है, ठीक है, उनसे दिया हुआ शेयर खरीद रही है, दैट इज बायबैक। तो यहाँ पर कौन से वाले शेयर का बात हो रहा है, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का बात नहीं हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब पेमेंट किया जाता है तो उसको बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसे बायबैक नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या क्या वर्ड यूज होता है, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को जब हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे बायबैक कर रहे हैं, मतलब क्या बायबैक करने का मतलब हो जाएगा, तो इससे ये क्लियर हो गया, ये बायबैक का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को ही समझाया जा रहा है, ठीक है। और तुम लोग लॉ पे भी पढ़ते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही बात हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब रिडीम करते हैं, ठीक है, तो रिडेम्पशन बोला जाता है उसे, ठीक है, मतलब उनको भी पेमेंट करते हैं, रिडेम्पशन बोला जाता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसे बायबैक नहीं बोला जाता है, उसे बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब प्रेफरेंस शेयर जब इशू किया जाता है वो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए इशू किया जाता है, जैसे कि 5 साल 7 साल, ठीक है। इरिडीमेबल जो है वो कंपनीज एक्ट में अलाउड नहीं है, ठीक है। इरिडीमेबल टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी अकाउंट, जब हम लोग क्लासेस हो रहा था, तब जैसे कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर जो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, वहां पर हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर का टाइप भी पढ़ा था, ठीक है। गुड इवनिंग सालिनी, गुड इवनिंग सालिनी, आवाज आ रहा है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा देखो, बायबैक ऑफ शेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जस्ट स्टार्ट ही किया है मैंने, तो अभी हम ये बता रहे हैं कि जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जब हम लोग इशू ऑफ मतलब कंपनी अकाउंट्स, ये सैटरडे वाले क्लास पे कुछ दिन पहले जब हम लोग कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे होता है वो पढ़ा था, तो प्रेफरेंस शेयर का अलग से कोई अकाउंटिंग टेक्निक नहीं होता है। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू होता है तो हम लोग उसके इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर नाम यूज करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। মানে বাইব্যাকটা বেসিক্যালি ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার থেকে, মানে যেটা মার্কেটে পাবলিক ইস্যু করে সেখান থেকেই তো হয়। কি বললে বলো, আরেকবার বলো, বাইব্যাক। বাইব্যাক মানে যেটা পাবলিক ইস্যু করে রাখে কোম্পানি ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারদের জন্য, সেখান থেকেই তো বাইব্যাক করা হয় কোম্পানি। হ্যাঁ ওটা ঠিক, হ্যাঁ ওটা থেকেই করা, ওটা থেকেই করা হয়। तो देखो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वहां पर क्या होता है, हम लोग प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी पढ़े थे। बहुत सारा टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर था, तुम लोग को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था रिडीमेबल और इरिडीमेबल, और ये कैसे टाइप था, उसके टर्म के हिसाब से टाइप था, ठीक है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो वहां पर जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक टर्म्स के बाद पे करते हैं, उसे बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लेकिन इक्विटी शेयर का ऐसा कोई टर्म नहीं होता है कि इक्विटी शेयर को इतने साल बाद पे बैक करना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश है, ठीक है, कंपनी कब बायबैक करती है, अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश है, मतलब अपना सारा काम करने के बाद अगर उसके बाद भी बहुत ज्यादा कैश बच जाता है, एक्स्ट्रा कैश बच जाता है, सरप्लस कैश, तो कंपनी क्या कर सकती है, उससे डिविडेंड बहुत ज्यादा बांट सकती है, ऐसा कर सकती है। या फिर उसमें से एक ऑप्शन कंपनी के पास ये होता है कि कंपनी बायबैक कर सकती है, और बायबैक का मतलब है कंपनी जब खुद का शेयर कैंसिल करती है उसे बायबैक बोला जाता है, ठीक है, तो उसे लेकिन रिडेम्पशन नहीं बोला जाता है। और डिबेंचर जो कि शेयर नहीं होता, ये तुम लोग को पता है, ये तो लोन होता है, ठीक है,
हम लोगों ने डिवेंचर भी पढ़ लिया, इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो कंपनी अगर डिवेंचर इश्यू करती है तो उसे भी कंपनी को पे करना पड़ता है, लोन है, उसको भी बोला जाता है रिडेम्पशन, ठीक है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बोला जाता है, बट बायबैक को कभी भी रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर नहीं बोला जाता है, ठीक है। मतलब इक्विटी शेयर को जब हम लोग मार्केट से कंपनी खुद परचेज करना स्टार्ट करती है अपना शेयर, तो उसका टर्म होता है बायबैक, ठीक है, उसे रिडेम्पशन नहीं बोला जाता है। तो अभी हम लोग थोड़ा टर्म्स के साथ जो है चल रहे हैं कि टर्म्स क्या क्या होता है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं वेन द कंपनी बायबैक इट्स ओन शेयर, ठीक है, कंपनी जब खुद ही अपना शेयर, शेयर मतलब कौन सा शेयर, इक्विटी, ठीक है, लोग के दिमाग में प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएगा, बट ये नहीं, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होता है, उसका बायबैक नहीं होता है, ठीक है। बाकी बात एक ही है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का मतलब है उनका पेमेंट कर देना, उनको कैंसिल कर देना, बायबैक का मतलब भी होता है कि जो कुछ शेयर होल्डर से अपना शेयर खुद से खरीद लेना, मतलब पेमेंट करके उनका होल्डिंग कैंसिल कर देना, लेकिन फिर भी लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। तो व्हेन द कंपनी बायबैक इट्स ओन शेयर फॉर कैंसिलेशन, फॉर कैंसिलेशन, देन इट इज नोन एज बायबैक ऑफ शेयर, ठीक है, तब हम लोग इसे बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर। और कंपनी कौन सा शेयर बायबैक कर सकती है, ऑब्वियसली जो इशू कर रखी है, जो इशू वही तो किसी से खरीद, बेसिकली कंपनी ऑफर देती है पब्लिक को जिनके पास उनका होल्डिंग है, कि नॉर्मली बायबैक जो होता है ना, जिसपे लोगों ने खरीद रखा है उससे हाई प्राइस पे कंपनी ऑफर करती है, नहीं तो लोग खरीदेंगे क्यों। वैसे हमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके के मिलेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि बायबैक में नॉर्मली हाई रेट पे जो है कंपनी जो है ऑफर करती है, तो जिसको अपना शेयर बेचना होता है कंपनी को, वो बेच देता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, बायबैक करती है, और ये कब कर पाएगी, अगर उसके पास सरप्लस कैश होगा तभी वो कर पाएगी, इस बात का ध्यान रखो, सरप्लस कैश होगा। अब ये करके फायदा क्या है वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन कंपनी ये तभी कर पाएगी अगर उसके पास एक्स्ट्रा कैश है, एक्स्ट्रा यानी कि सरप्लस है, तभी कंपनी ये कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो सरप्लस कैश होने पे ना कंपनी बायबैक करती है, कंपनी किसी और बिजनेस के साथ मर्ज होती है, किसी और इन्वेस्टमेंट खरीद सकती है। मान लो कंपनी को ये सब कुछ नहीं करना है, कंपनी डिविडेंड बांट चुकी है, इन्वेस्टमेंट उसे करना नहीं है, हो चुका है, या फिर मान लो कोई नया डील नहीं करना है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, या फिर कर लेने के बाद भी अगर पैसा बचता है, तो कंपनी ऐसा स्टेप्स ले सकती है, बायबैक कर सकती है। अब बायबैक के क्या फायदा होगा वो हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, बायबैक ऐसे ही नहीं कर सकती है, वो लिखा हुआ है, होना चाहिए एओए में। हाँ बोलो। मुझे सरप्लस कैश जेटा वाला अच्छे से देखिए, मतलब जेटा हमारे प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिट जेटा लास्ट पूरे देखे बेचे देखे, सेटा के ही सरप्लस कैश बोला या बोलता। হ্যাঁ, প্রফিটটাই তো তোমার, প্রফিটটাকেই তো তোমাকে ইউজ করতে হবে বিজনেসে যে কোনো কাজ করার জন্য। আজকে তুমি যেরকমই বিজনেস করো, তুমি কোম্পানি নাই বা হলে, তুমি যদি একটা সোল প্রোপ্রাইটার হও, তাহলে তোমার বিজনেসটা চলে, তোমার তো নেট প্রফিট যেটা থাকে সেটা দিয়েই তো তুমি বিজনেসটাকে অ্যাক্টিভ রাখো। মানে তোমার ধরো কাউকে কোনো স্টাফ রেখেছো, তার স্যালারি পেমেন্ট থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, ওগুলো দেওয়ার পরও যদি তোমার কাছে অনেক বেশি থাকে, বেসিক্যালি মানে তোমার সেভিংস অনেক বেশি, তাহলে তুমি সেখান থেকে কি করতে পারো, এবার তুমি ব্যাংকে টাকা রাখবে, এফডি করতে পারো, তুমি শেয়ারে ইনভেস্ট করতে পারো, তুমি কোনো অ্যাসেট কিনতে পারো, তুমি অন্য কোনো বিজনেসের সাথে মার্জ করতে পারো। এটা কখন করবে, যখন তোমার কাছে সারপ্লাস মানে হচ্ছে অতিরিক্ত, যখন উদ্বৃত্ত যেটাকে বাংলাতে বলে, যে যখন মানুষের কাছে অনেক বেশি থাকে তখন সেটাকে বলছে সারপ্লাস, অনেক বেশি, কথাটার মানে হলো এটা। হ্যাঁ বলো। কতটা বেঁচে থাকছে সেটাই সারপ্লাস, তাই না।
तो देखो सरप्लस का मतलब क्या है, सरप्लस का, हाँ सरप्लस का मतलब है कि हम लोगों का बिजनेस का डे टू डे का जो भी खर्चा है, या फिर अगर हमें कोई भी खर्चा करना है जैसे कि लोन का इंटरेस्ट पे करना से लेके, मतलब सीधा बात है कि हम लोग सारा अपना खर्चा पे करने के बाद भी अगर हमारे पास कुछ बच जाता है और हमें लगता है ये पैसा हमें और कहीं खर्चा नहीं करना है, तो हम लोग वो बोल सकते हैं मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है सरप्लस। तो कंपनी के पास अगर सरप्लस पड़ा हुआ है तो कंपनी ना, कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखो अगर तुम लोगों के पास सरप्लस पैसा है, तुम लोग बहुत सारे काम सकते हो। जैसे तुम लोगों को अगर लगे कि मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, लैपटॉप खरीद सकते हो। तुम लोग को लगता है कि मुझे एक साइकिल चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, अब वो तो डिपेंड करेगा ना कि तुम लोग का नीड क्या है, उसके हिसाब से तुम लोग सरप्लस को यूज करोगे। या फिर तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग एक एफडी कर लेते हैं, या फिर सोच रहे हो नहीं एक अच्छे शेयर में पैसा लगा देते। वैसे कंपनी के पास भी जब सरप्लस होता है तो कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शंस होता है, जिसमें से एक होता है बायबैक। क्योंकि देखो बायबैक करने का मतलब क्या है कि हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब हाई रेट में पेमेंट करके उनसे शेयर खरीद रहे हैं। तो ये कोई कंपनी कब करेगा, जब उसके पास एक्स्ट्रा कोई अमाउंट होगा, ठीक है। और वो पैसा आएगा कहां से, ऑब्वियसली बिजनेस से आएगा, ठीक है। बिजनेस करते हैं तो उसी पैसे से ना होगा, जैसे घर पे तुम लोगों का भी सबका अपना अपना कोई ना कोई काम होगा, तो वहां से सेविंग्स होता है, तभी तो तुम लोग कुछ अलग सोचते हो। मतलब ये तो कुछ अलग हो गया ना, डे टू डे का काम हुआ नहीं। अगर कुछ बचेगा तभी ना तुम लोग सोचो कि शेयर में इन्वेस्ट करना है, नहीं बचेगा तो कैसे शेयर में इन्वेस्ट करोगे। वैसे कंपनी के पास अगर पैसा बचेगा तभी वो बायबैक कर सकती है एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। तो यहां पर नेक्स्ट लिखेंगे बायबैक, बायबैक शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर मस्ट बी परमिटेड बाय आर्टिकल or association of companies, ठीक है। तो ऐसे ही बायबैक नहीं होता है, AOA में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है तो ही बायबैक कर सकते हो। ये सब तो रूल्स है, मतलब कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना पड़ेगा ना, तब कंपनी को, कंपनी जब बना तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना, तो वहां जो भी लिखा हुआ। जैसे तुम लोग कोई स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो उनके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही तो चलना पड़ेगा। वैसे ही बायबैक जो भी हो रहा है कंपनी का काम है, तो कंपनी का काम जो है तो फिर कंपनीज एक्ट 2013 जैसा जैसा बोलेगा वैसा इनको चलना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है अगर तुम्हारे AOA में लिखा हुआ है तो बायबैक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे और एक पॉइंट, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी बॉट बैक, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर को ही बॉट बैक कर किया जाता है, मतलब बाई बैक। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सेंस है। सोचो कोई एक शेयर जिसपे कंपनी, मान लो एक शेयर का 10 रुपया था, ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया है, एक शेयर होल्डर है, ठीक है, ये भी एक शेयर होल्डर है, ये भी एक शेयर होल्डर है, कंपनी ने मान लो पूरा कॉल कर लिया था, कॉल्ड अप फुल्ली, फुल्ली मतलब कंपनी को एक्सपेक्टेशन था ये भी 10 दे देंगे, ये भी 10 दे देंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने 10 दिया बट इन्होंने 8 ही दिया है, ठीक है, 8 पेड अप कर रखा है, 2 अभी भी बाकी है, ठीक है। या फिर मान लो कंपनी ने पार्टली कॉल किया है, पार्टली कॉल्ड अप किया, ये भी हो सकता है, कंपनी ने 8 रुपए कॉल किए, 2 रुपए बाद में कॉल करने का सोच रखा है, तो सभी ने 8-8 रुपए दिया है। तो यहाँ पर रूल्स बोल रहा है कि फुल्ली पेड नहीं है तो बायबैक नहीं कर सकते। सोचो कंपनी ऑफर कर रही है बायबैक का, बोल रही है 12 रुपए देंगे, मेरा शेयर मुझे वापस कर दो, हम तुम्हें तुमने मुझसे 10 रुपए में खरीदा, हम तुम्हें 12 रुपए देते हैं। अगर इन्हें लगता है कि कोई जबरदस्ती वाला बात नहीं, अगर इन्हें लगता है कि हाँ मुझे 12 रुपए मिलेगा, अच्छा है, 2 रुपए प्रॉफिट है, हम बेच देते हैं कंपनी को, तो बेच सकते, ठीक है। तो ये हो गया बायबैक प्राइस ऑफर किया कंपनी ने। अब सोचो कंपनी को अगर फुल्ली पेड अप हुआ ही नहीं है शेयर का, तो वो बायबैक क्यों करेगी, ठीक है, तो उसका तो लॉस है, क्योंकि उसे तो वैसे ही 10 रुपए मिलने वाला था, 8 रुपए मिला है, तो वो 12 रुपए में बायबैक क्यों करेगी उन सारे शेयर्स को जिनका पार्टली पेड अप है। तो अगर कोई शेयर पार्टली पेड अप है, वो फुल्ली पेड अप नहीं होने तक उसका बायबैक नहीं होगा, ठीक है, इसमें कंपनी का लॉस है, इसीलिए प्रोविजंस बनाया हुआ है कि कभी भी पार्टली पेड अप शेयर्स का बायबैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहां पर और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज पर सेक्शन 68 ओनली फॉर द पर्पस ऑफ
buyback of securities premium only the purpose of buyback of new the buyback comma securities premium account is considered as free. ठीक है, as free. Free मतलब जैसे securities premium क्या है, one type of reserve है. जैसे हम लोग company accounts जो basics हम लोगों ने किया था, जैसे कि issue of equity share, preference share, debenture, ये सब तो हम लोगों ने किया था. तो वहां पर reserve surplus के head में क्या क्या आता है, capital reserve आता है, profit and loss account आता है, securities premium account आता है, तो ये सब reserve surplus होता है, general reserve आता है. लेकिन इसमें से free reserve कौन से है, फ्री रिजर्व कौन से है, कौन से फ्री रिजर्व नहीं है. फ्री रिजर्व का मतलब होता है वो सारे रिजर्व जिसे हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम ये फ्री रिजर्व का कंसेप्ट एक बार तुम लोग को बता देते हैं. देखो फ्री रिजर्व नॉर्मली क्या होता है, तो ये लिखते हैं. देखो फ्री रिजर्व क्या होता है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में हम थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले, ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो. ठीक है, फ्री रिजर्व क्या होता है, देखो एक सेकेंड. हाँ, रिजर्व दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, ये तुम लोग डेफिनेशन बहुत बार पढ़े. ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इज कॉल्ड फ्री रिजर्व. ठीक है, ये डेफिनेशन तुम लोग बहुत बार पढ़े हो, ऐसे कि कॉलेज में भी पढ़े हो. ठीक है, मतलब कॉलेज में भी ये फ्री रिजर्व ये सब रहता है, बायबैक वगैरह. ठीक है, तो वहां पर भी तुम लोगों ने ये टर्म तो जरूर सुना होगा, फ्री रिजर्व. ठीक है, इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत बार ये टर्म सुना हुआ है. फ्री रिजर्व जो है वो रिजर्व है, ठीक है, वो रिजर्व है जिसे हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं. अब रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व का मतलब होता है कि प्रॉफिट का हिस्सा. ठीक है, प्रॉफिट से अगर हम लोग कुछ बचा के रखते हैं उसे रिजर्व बोलते हैं. जैसे कि मान लो हम लोग का प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होगा, हम लोग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी हमारा जो भी है, जिसका जो भी बिजनेस है, ठीक है, उससे उसका जो अर्निंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व. ठीक है, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट. देखो रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, एक रेवेन्यू प्रॉफिट होता है. रेवेन्यू का मतलब हो गया प्रॉफिट अर्न फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी. ठीक है, और डे टू डे में कोई क्या एक्टिविटी की करेगा, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे में क्या एक्टिविटी करेगा, जो उसका काम होगा. मान लो कोई फर्नीचर बेचता है, ठीक है, किसी का फर्नीचर का दुकान है, तो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, फर्नीचर बेच के जो आएगा. ठीक है, अब मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, ठीक है, तो वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेच देता है उससे जो प्रॉफिट कमाता है वो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट है. ग्रोसरी का जो दुकान रहता है, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट वाले का खाना बेच के जो प्रॉफिट आता है वो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट है. ग्रोसरी वाले का ग्रोसरी रिलेटेड सामान बेच के जो प्रॉफिट आता है वो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट है. तो रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट अर्न फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी. और डे टू डे में कोई कौन सा एक्टिविटी करेगा, जिस काम के साथ वो फुल्ली इन्वॉल्व है. जैसे तुम लोग का डे टू डे एक्टिविटी नॉर्मली अगर बोले एज ए स्टूडेंट तो पढ़ाई होता है. ठीक है, तो डे टू डे का एक्टिविटी तुम लोग का पढ़ाई है. ठीक है, अगर कोई बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस. जैसे मेरा डे टू डे का एक्टिविटी क्या है, कुछ करो या ना करो पढ़ाना. ठीक है, पढ़ाना मेरा डे टू डे का एक्टिविटी है, तो इससे मेरा जो भी अर्निंग होता है वो मेरा रेवेन्यू अर्निंग है. अब मैंने शेयर में पैसा लगा रखा है, उससे मुझे कुछ अर्न हुआ, ये मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है. क्योंकि हम फुल टाइम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का काम नहीं करते हैं. ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना. ठीक है, तो इस तरह से जिसका जो भी डे टू डे का एक्टिविटी उससे जो अर्निंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट. ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉफिट को हम लोग एप्रोप्रिएट कर सकते हैं. एप्रोप्रिएशन मतलब अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना. ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट को हम लोग कर सकते हैं एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना. एप्रोप्रिएशन करके हम लोग प्रॉफिट को अलग अलग जगह पे रख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर जनरल रिजर्व बना लिया,
जनरल रिजर्व, ठीक है, एक रिजर्व बनाया जिसका नाम दिया जनरल रिजर्व, मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, मतलब जो इनकम हुआ उससे हम लोग कुछ अमाउंट हटा के एक रिजर्व क्रिएट कर रहे, वहां पर रख रहे, जिसे बोलते हैं जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व पे रख सकते हैं, मतलब ये रिजर्व कहीं पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या हो सकता है, रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। ऐसे अलग अलग नाम पे हम लोग रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। रिजर्व मतलब प्रॉफिट का एक अमाउंट हटा के कहीं पर रखना, ठीक है, तो प्रॉफिट से, प्रॉफिट को हम लोगों ने बांट दिया अलग अलग जगह पे, प्रॉफिट को बांट दिया, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे प्रॉफिट को बांट दिया, जनरल रिजर्व में प्रॉफिट रखा थोड़ा सा, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व पे रखा, ठीक है, पीएल में रखा, और ये सब, ये रेवेन्यू रिजर्व एक्चुअली मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। एक काम करते हैं, रेवेन्यू रिजर्व को हटाते हैं, इसे भी बोला जाता है, मतलब हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखना चाहते हैं, ये वाला हटा दो, ठीक है, तो ये पीएल, ठीक है, ये सब क्या हो गया, हम लोगों ने प्रॉफिट को अलग अलग से बांट दिया, ठीक है, और ये सारे रिजर्व क्या है, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट से बने हैं, ये जितने भी रिजर्व है ये कौन से, कैसे बने हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट से बने हैं, तो ये सारे रिजर्व को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। अब हम लोग अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देते हैं वो कहां से देते हैं, जो तुम लोग एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हो ना, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर वहां से क्या देते हो, सबसे पहले ईबीआईटी से क्या देते हो, इंटरेस्ट, तो क्या बचता है, ईबीटी, ठीक है, ईबीटी से टैक्स देते हो तो क्या बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हो, फिर जो बचता है इक्विटी शेयर होल्डर को देते हो, तो कहां से डिविडेंड दिया, कहां से डिविडेंड दिया, डे टू डे का जो अर्निंग है वहां से दिया, मतलब पूरे साल भर में जो अर्निंग हुआ वहां से दिया, तो इसीलिए रेवेन्यू रिजर्व जो बना, मतलब ये सब रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व है, क्यों, क्योंकि ये रेवेन्यू प्रॉफिट से बना है, रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब डे टू डे के एक्टिविटी से जो प्रॉफिट बनता है, ठीक है, तो रेवेन्यू रिजर्व जो डिविडेंड के लिए यूज होता है, तो फ्री रिजर्व कौन सा है, ऐसा रिजर्व जिसे हम लोग डिविडेंड बांटने के लिए यूज कर सकते हैं, तो डिविडेंड कहां से दिया जाता है, डे टू डे के प्रॉफिट से, डे टू डे का प्रॉफिट का हिस्सा ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो रेवेन्यू रिजर्व को हम लोग यूज कर सकते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसीलिए हर तरह का रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, फ्री रिजर्व होता है, ठीक है, फ्री रिजर्व होता है। अच्छा, अब कौन सा फ्री रिजर्व नहीं होता है, ये भी सुन लो, कौन सा फ्री रिजर्व नहीं होता है, यहाँ पर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सोचो सिक्योरिटीज प्रीमियम कोई फ्री रिजर्व नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं नॉट फ्री रिजर्व, ठीक है, जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कोई फ्री रिजर्व नहीं है, क्यों, सिक्योरिटीज प्रीमियम अभी अभी मैंने बताया, फ्री रिजर्व का मतलब वो रिजर्व जो डे टू डे के एक्टिविटी से होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो जनरेट होता है वो कोई डे टू डे के एक्टिविटी से नहीं होता है, कोई कंपनी रोज ही थोड़ी ना शेयर इशू करती है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये कभी कभार होता है, ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ये कैपिटल नेचर का रिजर्व हो गया, ये जो है ये फ्री रिजर्व नहीं होता है, या फिर रिवैल्युएशन रिजर्व, ठीक है, हम लोगों ने रिवैल्युएशन किया अपने एसेट लाइबिलिटी का और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट हुआ, रेवेन्यू सॉरी रिवैल्युएशन रिजर्व, ये भी हम लोग का फ्री रिजर्व नहीं है, क्योंकि ये भी हम लोग का क्या है, ये हम लोग का डे टू डे के एक्टिविटी से नहीं आया, कोई रोजाना ही रिवैल्यूएशन नहीं करता है अपने एसेट लायबिलिटीज का, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में कब रिवैल्यूएशन होता है, पार्टनरशिप तो हम लोगों ने सभी ने 12 में किया है, पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन तब होता है जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी का डेथ होता है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को चेंज किया जाता है तो रिवैल्यूएशन होता है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा ये भी फ्री रिजर्व नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब डे टू डे के एक्टिविटी से नहीं होता है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ये सब क्या है, कैपिटल रिजर्व है, और ये सब रिजर्व को हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बांट सकते, क्योंकि डिविडेंड उसी से दिया जाता है जो डे टू डे के एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट होता है उससे, यानी कि फ्री रिजर्व से, यानी कि रेवेन्यू रिजर्व से, ठीक है, तो लिंक समझ लो कि क्या रेवेन्यू रिजर्व होता है और उसको ही क्यों फ्री रिजर्व बोलते हैं और नॉट फ्री रिजर्व क्या है। तो यहां पर जब बायबैक होता है तो हम लोग नॉर्मली फ्री रिजर्व का यूज करेंगे, जब हम लोग अभी प्रोसेस पढ़ेंगे कि बायबैक करने के लिए हमें किस तरह का जो है रिजर्व का यूज होता है, बट यहाँ पर एक स्पेशल केस है, देखो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, सिर्फ और सिर्फ बायबैक के केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम को फ्री रिजर्व माना जाता है, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम
प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ोगे ठीक है, तब देखना वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली ये फ्री रिजर्व है नहीं, लेकिन सिर्फ बायबैक के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को फ्री माना गया है, ये रूल्स है ठीक है। तो ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम को बायबैक के केस में फ्री माना गया, बाकी कभी भी ये फ्री रिजर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों फ्री रिजर्व नहीं होता ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बायबैक कैसे कर सकते हैं, बायबैक कैन बी डन फ्रॉम, पहला ओपन मार्केट में कंपनी शेयर होल्डर को ऑफर दे सकती है ठीक है। ओपन मार्केट से मतलब जैसे मार्केट में इक्विटी शेयर का जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में कंपनी अगर खरीद रही है अपना शेयर, तो दैट इज फ्रॉम ओपन मार्केट ठीक है। अच्छा अपने इम्प्लॉय से भी बायबैक कर सकती है, फ्रॉम इम्प्लॉय ठीक है। इम्प्लॉय को किस तरह का इक्विटी शेयर इन्होंने इशू किया होगा ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि ईशॉप ठीक है, ईशॉप पढ़ा था ना हम लोगों ने, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ठीक है, जैसे कि स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर ये भी हम लोगों ने पढ़ा, इसका रूल्स रेगुलेशंस, स्वेट इक्विटी शेयर्स ठीक है, इन शॉप, ये सब शेयर्स जो कंपनी अपने इंप्लॉय को इशू करती है, कब करती है क्यों करती है, ये सब हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है। तो इनसे भी शेयर्स कंपनी हाई प्राइस देके ऑफर करके बायबैक कर सकती है ठीक है। फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को भी ऑफर देके कर सकती है, शेयर होल्डर से, इंप्लॉय से ठीक है, इनसे बायबैक कर सकती है क्योंकि इनके पास शेयर होता है कंपनी का, या फिर और एक होता है ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ठीक है। ये सब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या होता है, ये भी बता देंगे ठीक है। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी बायबैक कर सकती है कंपनी ठीक है। प्रोपोर्शनेट बेसिस मतलब बता देते कैसा होता है कि कंपनी जो है मतलब ऑफर करती है कि जैसे एक होता है लॉटरी सिस्टम जैसा होता है, कंपनी उसमें ऑफर करती है जिनका मतलब जो है मतलब इसे एग्जिट रूट बोलते हैं बेसिकली ठीक है, एग्जिट रूट ठीक है, एग्जिट रूट। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी कंपनी बायबैक कर सकती है मतलब लॉट में ठीक है, लॉट में, ये हम बता देंगे डिटेल्स में ठीक है। अभी हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि कितने तरीके से कंपनी बायबैक कर सकती है, ओपन मार्केट से, इंप्लॉय से, शेयर होल्डर से और प्रोपोर्शनेट बेसिस में बायबैक कर सकती है ठीक है। अच्छा अब देखो बायबैक करने का एडवांटेज क्या है, कंपनी क्यों बायबैक करती है, तो यहाँ पर लिखेंगे एडवांटेज ऑफ बायबैक, एडवांटेज ऑफ बायबैक, बायबैक करने का एडवांटेज क्या है। सबसे पहला इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, ईपीएस ठीक है, जिसे तुम लोग बोलते हो ईपीएस, कंपनी का जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर वो बढ़ जाता है ठीक है। ये नॉर्मल सा बात है, ईपीएस बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, देखो इसको अगर हम समझाना चाहते हैं, जैसे मान लो कि कंपनी का एवरेज प्रॉफिट जो है वो मान लो है 1000 रुपीज ठीक है, और ये प्रॉफिट जो है 1000 शेयर होल्डर में बचता मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता था, बांटा जाता था ठीक है। तो एक 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 जन को कितना करके डिविडेंड मिलता होगा, 1 रुपए करके ठीक है, डिविडेंड कितना हो गया 1 रुपया। अब कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर का शेयर जो है खरीद लेती है, बायबैक कर लेती है, तो 1000 शेयर होल्डर की जगह कम शेयर होल्डर हो जाएंगे। मान लो कि कंपनी ने 50% बायबैक कर लिया ठीक है, 50% बायबैक कर लिया, तो अभी कंपनी के 500 शेयर होल्डर है, तो एक एक जन को कितना करके मिला, 2 रुपए करके डिविडेंड मिला ठीक है। तो ये क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर 1 था, अभी अर्निंग पर शेयर 2 हो गया, तो कंपनी का क्या होता है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है, ये मार्केट में गुड इंपैक्ट लाता है। तो बायबैक करने से कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है, इससे कंपनी का एक गुड इंपैक्ट, एक गुड इंडिकेशन देता है मार्केट में ये अर्निंग पर शेयर बढ़ जाना ठीक है। तो बायबैक का एडवांटेज ये है कि ईपीएस बढ़ जाएगा ठीक है। अच्छा अब जैसे ईपीएस बढ़ेगा, तो यहां पर ग्रेजुअल इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ठीक है, शेयर का मार्केट प्राइस भी बढ़ जाएगा क्योंकि ईपीएस बढ़ेगा, तो लोग जो है
बायबैक लोग जो है कंपनी को मानेंगे कि अच्छा है क्योंकि देखो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, डिविडेंड अच्छा खासा मिल रहा है, तो लोग शेयर खरीदने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब डिमांड हाई होगा तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे रिडक्शन ऑफ फ्यूचर लाइबिलिटी बाई पेमेंट ऑफ सरप्लस कैश, ठीक है। क्या होगा कि फ्यूचर लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में जितने इक्विटी शेयर होल्डर होंगे सभी को डिविडेंड वगैरह देते जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास सरप्लस कैश ज्यादा है, क्योंकि देखो जब हम लोग पैसा प्रोक्योर करते हैं तो इक्विटी शेयर से करते हैं, मतलब एज ए कंपनी प्रेफरेंस शेयर से करते हैं, डिवेंचर से करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा महंगा इक्विटी शेयर होता है। तुम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते होगे, ठीक है, एपीएम में सर के पास, तो सबसे ज्यादा महंगा इक्विटी शेयर होता है, मतलब डिवेंचर का रेट भी कम होता है। हाँ ये ऑब्वियसली है कि इक्विटी शेयर होल्डर को मतलब डिविडेंड दो या ना दो वो ये घर का बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानते हैं कि घर का बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा, नहीं तो लोग क्यों उस कंपनी का शेयर होल्ड करेंगे। क्योंकि जब कोई कोई मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जब हम लोग अपना शेयर खरीद रहे हैं बहुत सारे क्राइटेरिया देख के खरीदते हैं, तो हम लोग ये भी तो देखते हैं ना कि कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं, तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी का डे टू डे का बिजनेस कैसा है, तभी तो वो डिविडेंड अच्छा खासा दे पाएगी। तो डिविडेंड तो देना पड़ेगा, नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर को रिटेन नहीं कर पाएंगे, तो हमें डिविडेंड वगैरह देना पड़ेगा, उनको रखने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए अगर इक्विटी शेयर होल्डर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी रिड्यूस कर लेती है बायबैक के थ्रू से, तो कंपनी का फ्यूचर लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए देखो रिडक्शन ऑफ फ्यूचर लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्यूचर लाइबिलिटी बाय पेमेंट ऑफ सरप्लस कैश, सरप्लस कैश से बायबैक करके जहां 1000 लोगों को डिविडेंड बांटना था वहां हम लोग 500 लोगों को डिविडेंड बांटेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इससे हमारा फ्यूचर लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, तो ये भी एक एडवांटेज होता है कंपनी के लिए अगर कंपनी बायबैक करती है तो, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लोग बायबैक का अलग अलग जो है प्रोसेस करेंगे कि किस तरह से बायबैक किया जाता है, बायबैक कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बायबैक कैन बी डन फ्रॉम, किस तरह से बायबैक कर सकती है कंपनी, सरप्लस कैश होना चाहिए ये तो हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखो कैसे हो सकता है, तीन तरह से हो सकता है। पहला बाय फ्रेश इशू ऑफ अदर सिक्योरिटीज, इफ इक्विटी शेयर आर buyback, then fresh issue will be for preference share or other class of equity share, बता देंगे क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग एक एक कंसेप्ट में आएंगे तो बता देंगे, हम तीन प्रोसेस लिखवा देते हैं, अभी इसी पे हम लोग बात करेंगे। बाय फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, सीआरआर क्रिएट करके, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और बायबैक ऑफ shares can be at premium, that is amount due on buyback equal to nominal value of कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन बायबैक। टोटल
वैल्यू ऑफ बाइबल। फिर यहां पर लिखेंगे फॉर रिटर्न ऑफ सच प्रीमियम ऑन बायबैक वी कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एंट्री हो जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। टू प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल पॉइंट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कंपनी बायबैक, देखो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया क्या क्या है कि बायबैक क्या होता है, ठीक है। बायबैक कंपनी कब कब कर सकती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए। इक्विटी शेयर का ही मतलब होता है बायबैक का मतलब, फुल्ली पेड अप शेयर कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकती है, जबकि वो फ्री रिजर्व नहीं होता है, फ्री रिजर्व को ही यूज करना होता है, फिर भी यहाँ पर कर सकती है क्योंकि यहाँ कंपनीज एक्ट ने अलाउ कर रखा है। बायबैक कैसे कर सकते हैं, ओपन मार्केट से, इंप्लॉय से, मतलब किन किन से शेयर परचेस कर सकते हैं, ओपन मार्केट से, इंप्लॉय से, शेयर होल्डर से और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी परचेस कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बायबैक क्या है, ईपीएस बढ़ जाएगा, ईपीएस बढ़ेगा तो मार्केट में एक गुड इंडिकेशन होगा और फ्यूचर लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बायबैक जो है वो कैसे कर सकते हैं, फ्रेश इशू, ये वाला जो पॉइंट अभी लिखवाया है ना, इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे कि बायबैक कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जब हम लोग बायबैक करेंगे तो बायबैक किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है। हाँ बोल, देखो वो लास्ट पॉइंट इस तरह से, দেখা যাচ্ছে নিচে নিচে পান লাস্ট পান নিচে রই তো সিক্রেটিস। আচ্ছা, अब देखो बायबैक का पहले मेथड वन, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मेथड वन, ठीक है। पहला मेथड जैसे ये वाला, ठीक है, बायबैक, बायबैक बाय फ्रेश इशू ऑफ अदर सिक्योरिटीज, अच्छा बाय फ्री रिजर्व, हम पहले ये वाला बोल रहे हैं, फ्री रिजर्व वाला बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब पहले पॉइंट भी बोल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि बायबैक करने का पहला रूल्स क्या है, फ्री रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रांसफर होगा फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, समझा देंगे क्या होता है, कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉमिनल, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, अच्छा इसका हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे, लेकिन पहले ये समझा देते हैं कि फ्री रिजर्व का सीआरआर में ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि बायबैक प्राइस, बायबैक प्राइस, ठीक है, बायबैक प्राइस कितना कितना होने से यहाँ पर ट्रांसफर टू सीआरआर, सीआरआर लिखेंगे, ठीक है, हम बार बार कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं लिखेंगे, सीआरआर लिखेंगे। क्वेश्चन में भी तुम लोगों को सीआरआर ये लैंग्वेज दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ पहले समझा देते हैं, फिर एग्जांपल्स लेंगे, तुम लोग मुझे आंसर बताना, ठीक है, क्या होगा। तो इसके लिए मैंने जगह रख दिया है, ठीक है। अब ये जो फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व में ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं।
देखो जैसे प्री रिजर्व में ट्रांसफर होने का मतलब क्या हो गया, सपोज यहाँ पर देखो, सपोज कि हम लोगों को एक ऐसे एग्जांपल लेते पहले नॉर्मल, देखो हम लोग को मान लो एक लैपटॉप खरीदना, ठीक है, सपोज कि तुम लोग को एक लैपटॉप खरीदना है और लैपटॉप का प्राइस है, मान लेते हैं कि लैपटॉप का प्राइस है 50,000, ठीक है, 50,000 लैपटॉप का प्राइस है, तो तुम लोग अपने पहले घर पे पेरेंट्स को बोलोगे कि हमें एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, तो क्या होगा, तो तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि मुझे 50,000 का लैपटॉप खरीदना है और मेरे पास जो है, ठीक है, मेरे पास जो है मतलब ये लोग, ये तुम लोग हो, ठीक है, और ये पेरेंट्स, ठीक है, तो अब मान लो तुम लोग के पास कैश है 1,00,000, तुम लोग बोल रहे हो मेरे पास, पेरेंट्स को बोल रहे हो कि हम, मेरे पास 1,00,000 कैश है, हम एक लैपटॉप खरीद लेंगे, ठीक है, अब 1,00,000 कैश कहाँ से आया, घर पे पूछताछ तो होगा भाई 1,00,000 कैश कहाँ से आया, ठीक है, तो तुम लोग ऐसे बोल रहे हो कि हम लोग के पास, मैंने लोन लिया है, ठीक है, लोन मतलब मान लेते हैं कि एक बार लोन लिया है, ये फ्रेंड से लिया है, कुछ भी मान लो कि लोन लिया है 50,000 का, ठीक है, और मेरे पास सेविंग्स है, मतलब मुझे थोड़ा बहुत जो पैसा वैसा मिलता है उसको बचा बचा के मैंने 50,000 बना लिए हैं, ठीक है, मैंने 50,000 बना लिया है, तो मेरा 50,000 का सेविंग्स है और 50,000 का मेरा लोन है, ठीक है, इस लैपटॉप का प्राइस हम 40,000 कर देते हैं, ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, अगर मोबाइल खरीदना है तो पेरेंट्स क्या सजेशन देंगे, लोन का पैसा मत लगाओ, तुम्हारे सेविंग्स में इतना पैसा है कि तुम लैपटॉप ले सकते हो, ठीक है, तो तुम्हें अगर लैपटॉप खरीदना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना सेविंग्स को यूज करो, लोन का पैसा यूज मत करो, ठीक है, सेविंग्स में जब है तो लोन का पैसा क्यों यूज करके लैपटॉप खरीदना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, जो सेविंग्स है हम लोगों के पास उसको हमें मोबाइल खरीदने के लिए ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये पैसा ऐसे ही रहेगा तो हो सकता है कि हम लोग कहीं और खर्च कर दें, ठीक है, तो हमें सजेशन ऐसा मिल सकता है अपने पेरेंट्स से कि एक काम करो, इसको ब्लॉक कर दो, इस पैसे को ब्लॉक करने का मतलब है एक फंड बना लो, ठीक है, लैपटॉप फंड बोल के, ठीक है, लैपटॉप फंड मतलब एक फंड बना लो और उसमें ये सारे पैसे को डाल दो, ठीक है, लैपटॉप फंड बोल के एक फंड बना लो, उसमें ये सारे पैसे डाल दो, 40,000 का पूरा लैपटॉप फंड में पैसा डाल दो और इसे ब्लॉक कर दो, इसे हाथ मत लगाना, ये जब लैपटॉप खरीदने जाओगे तभी इसमें हाथ लगाना, उसके पहले मत लगाना, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो सेविंग्स था, ठीक है, जो सेविंग्स था ये फ्री है, क्यों, क्योंकि लोन का तो इंटरेस्ट काउंट करना पड़ सकता है, बट ये तो फ्री है, ठीक है, ये फ्री मतलब क्या, सेविंग्स है, इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लोन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सेविंग्स एनफ है तो लोन क्यों यूज करेंगे, तो फ्री सेविंग्स कितने का है, 50,000 का है, उसको हम लोग लैपटॉप फंड में ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर दिया, कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर 40,000 ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, लैपटॉप का जो कॉस्ट है, लैपटॉप लिखा है मैंने, लैपटॉप का कॉस्ट कितना है 40,000, तो सेविंग से कितना पैसा मुझे हटा के रखना चाहिए 40,000, अगर तुम लोग सेविंग से 40,000 हटा लोगे तो तुम लोग का क्या हो जाएगा, सेविंग से अगर 40,000 हटा लोगे तो तुम लोगों का लैपटॉप फंड में 40,000 आ जाएगा, जब लैपटॉप खरीदना है तो तुम लोग 40,000 का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है, अब यही वाला हम लोगों का जस्ट कंपनीज अकाउंट में सेम यही वाला चीज होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, कंपनीज अकाउंट में यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है ये कौन है, ये हो जाएगा कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है कि हमें कैसे करके बायबैक करना है, अपने फ्री रिजर्व को ट्रांसफर कर देना है, और ये कौन हो गया, कंपनी, ठीक है, ये कंपनी हो गया, अगर कंपनी बायबैक करना चाह रही है तो कंपनीज एक्ट क्या सजेशन देगा, कंपनीज एक्ट बोलेगा क्या तुम लोगों के पास फ्री रिजर्व है, ठीक है, क्या तुम लोग के पास फ्री रिजर्व है, ये सेविंग्स क्या हो गया, ये फ्री रिजर्व हो गया, रिजर्व मतलब खुद के मेहनत से, सेविंग्स कैसे करते हो, मेहनत करके ना, बोलते ना बड़ा बचा बचा के मैंने पॉकेट मनी बचा कि ये पैसा बनाए, मेहनत करके बनाए, तो वही फ्री रिजर्व, ठीक है, ये सेविंग्स क्या हो गया, फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व को हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री सेविंग्स का मतलब यहां पर हो गया फ्री रिजर्व को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा एक फंड में जिसका नाम है सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, पैसा ब्लॉक कर देना पड़ेगा ताकि इस पैसे से हम लोग बायबैक कर सके, और कितना हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, जितना हमारा शेयर का वैल्यू होगा, ये देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक, ठीक है, तो लैपटॉप का प्राइस जितना था तो उसी हिसाब से नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स
बाईबैक, ठीक है। तो जितना शेयर बाईबैक करना चाहते हैं उसका नॉमिनल वैल्यू जो होगा उतना ही हम लोग फंड बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का हो गया पहला केस। पहले केस में हमें क्या करना है, पहले केस में हमें जितना फ्री रिजर्व जो है उसको हमें पहले लॉक कर देना है या ब्लॉक कर देना है, जो भी बोलो, ताकि हम लोग इस पैसे को कहीं और यूटिलाइज नहीं करें। सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना दिया। अब इस पैसे से हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे से हम लोग जो है अपना बाईबैक कर सकते हैं। तो बाईबैक करने का पहला मेथड हो गया कि जितना हम लोगों का अगर फ्री रिजर्व है, जितना हम लोग बाईबैक करना चाह रहे हैं उतना फ्री रिजर्व है, तो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। पहले है कि अगर रिजर्व यूज करके बाईबैक करेंगे तो हमें क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक। जितना, जैसे कि जितने रुपए का चीज खरीद रहे हो उतने का ही फंड बनाओगे, जितने रुपए का चीज खरीद रहे हो उतने का ही फंड बनाओगे। मतलब जितना बाईबैक करना चाहते हो शेयर उसका जितना नॉमिनल वैल्यू है उतना ही तुम लोगों को ब्लॉक करना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, ठीक है, उतना ही ब्लॉक करना है। और कहां से ब्लॉक करेंगे, फ्री रिजर्व से ब्लॉक करेंगे, ठीक है, फ्री रिजर्व से हम लोग इसे ब्लॉक करेंगे। लोन का पैसा यूज नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है, जैसे मान लो कि प्रैक्टिकली सोचो, कंपनी अगर मार्केट से लोन लेके अपना शेयर बाईबैक कर रही है तो ये तो लॉस हो जाएगा, लॉस होगा, मतलब लॉस इन द सेंस, मान लो कंपनी ने बहुत सारा लोन ले लिया, ठीक है, लोन कहां से लिया होगा, बैंक से, बैंक में किसका पैसा रहता है, बैंक में पब्लिक का, जनरल पब्लिक का पैसा रहता है। तो अगर कंपनी ऐसा कर रही है कि बैंक से लोन ले रही है उससे बाईबैक कर रही है और अगर वापस ना कर पाई तो फिर तो इतने सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, तो फिर ये प्रोहिबिटेड है कि हम लोग लोन के पैसे से बाईबैक नहीं कर सकते। अगर तुम बहुत अच्छा कमा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है तो रिजर्व भी होगा तुम्हारा, तुमने उतना रिजर्व भी, अगर ज्यादा कमाते हैं तो सेविंग्स भी ज्यादा होगा ना, तो सेविंग्स का यूज करो, यानी प्री रिजर्व जो बना रखे हो ना। अब इसका क्या करोगे, ये अगर तुम्हें लगता है इतना ज्यादा तुम्हारे पास पैसा है तुम बाईबैक कर सकते हो तो अपने रिजर्व का यूज करो, अपने जितने भी फ्री रिजर्व है उससे बाईबैक करो। तो फ्री रिजर्व को क्या करना है, जितना बाईबैक करना है उतने का हमें फ्री रिजर्व का सीआरआर में ट्रांसफर कर देना है, मतलब रिजर्व का उतना पोर्शन ब्लॉक कर देंगे जितना हमें बाईबैक करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि इससे तुम लोग को समझ में आया कि फ्री रिजर्व का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग मुझे आंसर बताते जाना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बाईबैक प्राइस है सपोज 100 रुपीज, ठीक है, सपोज 100 रुपीज है तो सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा बोलो। बाईबैक प्राइस अगर 100 रुपीज है तो हमें सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक शेयर बाईबैक कर रहे हैं सपोज जिसका प्राइस है 100 रुपीज तो हमें कितना बाईबैक करना पड़ेगा, सॉरी 100, कितना सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, 100 नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, ठीक है, ये मान लो फेस वैल्यू है, ठीक है, ये फेस वैल्यू है। अच्छा, अब नेक्स्ट मान लेते हैं फिर से 100 रुपीज का हमारा फेस वैल्यू है, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, अगर हम लोग का बाईबैक प्राइस जो है 100 रुपीज है और फेस वैल्यू भी शेयर का 100 रुपीज है, यहाँ पर फेस वैल्यू भी लिख देते, फेस वैल्यू भी शेयर्स का जो शेयर बाईबैक करना चाहते हैं वो 100 रुपीज है तो सीआरआर में ट्रांसफर होगा 100। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अगर बाईबैक प्राइस है हम लोगों का, यहाँ पर लिखते हैं बाईबैक प्राइस है रुपीज 110, ठीक है, कंपनी ने 110 रुपीज का ऑफर किया है एक शेयर को बाईबैक करने का पब्लिक को और इनका वो शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज, फेस वैल्यू है 100 रुपीज तो बोलो सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 110 सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा बोलो, फेस वैल्यू 100 है और बाईबैक प्राइस 110 है तो हमें कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा। सीआरआर में हमेशा ट्रांसफर करना पड़ता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक, मतलब फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, बात तो एक ही है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था शेयर इशू में। मिनिमम तो अलग है, 10 টাকা বেশি হবে তো শেয়ার ভ্যালু কি করে বলবো, ওটা প্রিমিয়াম, প্রিমিয়ামটা অন্য জায়গা থেকে দেয়া, এই যে এখানে লেখা আছে এখানে লিখিয়েছিলাম वो प्रीमियम है, ये देखो प्रीमियम रिटर्न ऑफ होगा दूसरे जगह से, ठीक है, तो वो हम बताएंगे कैसे होगा, अभी हम लोग सिर्फ इस पे ध्यान देते, ठीक है। हाँ सही बोल रहे हो कि 10 रुपया एक्स्ट्रा फिर कहाँ से आएगा, लेकिन रिजर्व का कितना यूटिलाइजेशन करेंगे, रिजर्व का सिर्फ उतना ही यूटिलाइजेशन करेंगे जितना मेरे शेयर का नॉमिनल वैल्यू होगा, एक्सेस जो पे कर रहे हैं वो कैसे होगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ट्रांसफर टू सीआरआर कितना होगा उस पर थोड़ा सा कंसेंट्रेशन कर रहे हैं, तो मुझे उसके हिसाब से बोलो कि सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा, हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक कितना ट्रांसफर, 100
एक्चुअली हमें, अच्छा अगर बाईबैक प्राइस है हम लोग का 90 रुपीज, ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है 100, तो सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा? हमेशा ये फॉलो करो, ये दिमाग मत लगाओ या 10 कम है या 100 ही होगा, ठीक है, हमेशा इसको फॉलो करो, पहले ये दिमाग में सेट कर लो सीआरआर में क्या जाता है, ठीक है, यहाँ पर 80, बायबैक फेस वैल्यू यहाँ पर 100, ठीक है, तो बोलो कितना जाएगा सीआरआर में? 100, ठीक है, सीआरआर का पहले कंसेप्ट समझ लो, सीआरआर में हमेशा कितना जाएगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू जो था शेयर का वो जाएगा। अब हम लोग कम में बेच रहे हैं, कम में अपना शेयर परचेस कर रहे हैं या फिर ज्यादा में कर रहे हैं, उसका कहाँ से जुगाड़ होगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का पहले ये समझ लो कि किस तरह से फ्री रिजर्व का जो है सीआरआर में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर एक सेकेंड, अच्छा ये हो गया, हम लोग पहले सीआरआर में कितना ट्रांसफर करेंगे वो समझ लिया हम लोगों ने। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे मेथड टू, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से जाएगा, वो प्रीमियम है ना, तो वो प्रीमियम में राइट ऑफ होता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा अब हम लोग देखेंगे मेथड टू, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। तो और एक हमारे पास रास्ता है कैसे करके बायबैक हो सकता है, देखो अगर हम लोग का कोई मतलब जैसे हमारे पास सेविंग्स नहीं है, ठीक है, अगर हमारे पास सेविंग्स मतलब जो एग्जांपल हम ले रहे थे, मतलब हमारे पास उतना फ्री रिजर्व नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्री रिजर्व नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम लोग लोन लेके बायबैक कर देंगे, वो तो मैंने पहले ही बताया ना ये प्रोहिबिटेड है, हम लोग लोन वोन लेके या फिर डिवेंचर इशू करके बायबैक नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे करके बायबैक कर पाएंगे? हम लोग फ्रेश शेयर इशू करके बायबैक कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, कितना फ्रेश इशू कर सकते हैं? जितना हमारा नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक होगा, बायबैक ऑफ शेयर मतलब जो शेयर हम लोग बायबैक करना चाहते हैं उसका जितना नॉमिनल वैल्यू होगा उतना ही हमें फ्रेश इशू से प्रोसीड्स मिलना चाहिए, ठीक है, उस तरह से हमें इशू करना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने लिखा था बाई फ्रेश इशू ऑफ अदर सिक्योरिटीज, अगर इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हैं तो हमें प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहिए या फिर अदर क्लास ऑफ इक्विटी शेयर भी चलेगा, मतलब इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, ये सही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। देखो अगर हम लोग सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, सेम क्लास ऑफ इन द सेंस जैसे मान लो हर एक इक्विटी शेयर का राइट्स, ठीक है, ये सब अलग होता है, जैसे मान लो वोटिंग राइट्स, पहले ऐसा हो सकता है कि पहले का जो कंपनी का इक्विटी शेयर था वहां पर वोटिंग राइट्स था, 10 शेयर होल्ड करने पे एक वोटिंग राइट, अभी हम लोग जो नया इक्विटी शेयर इशू करना चाह रहे बायबैक के लिए उसका हो गया 3 शेयर पे एक वोटिंग राइट, ठीक है, तो क्लास चेंज हो गया। तो हाँ प्रेफरेंस शेयर तो इजीली इशू कर ही सकते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर अगर हम लोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम लोग इक्विटी शेयर भी इशू करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन सेम क्लास का नहीं होना चाहिए, अदर क्लास ऑफ इक्विटी शेयर मतलब जिस शेयर को बायबैक कर रहे हैं उसी तरह का इक्विटी शेयर हम लोग इशू नहीं कर सकते, अलग अलग तरह का ऑब्वियसली इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं जिसे बोलते हैं अदर क्लास ऑफ शेयर्स, ठीक है, अदर क्लास ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है। अच्छा अब हम लोग कितना प्रोसीड्स हमें मिलेगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर लिखो फ्रेश इशू ऑफ, फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल शुड नॉट बी एट द सेम टाइप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बॉट बैक, सेम टाइप नहीं होना चाहिए, यहां पर फिर से लिख दिया है मैंने फ्रेश इशू ऑफ
डिवेंचर कांट बी मेड टू बाय बैक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल. डिबेंचर तो हम लोग इशू नहीं कर सकते क्योंकि लोन इशू करके हम लोग बायबैक नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया. देखो लोन इशू, लोन यहाँ पर भी मैंने बताया था ना, इस प्रोसेस में हम लोग लोन का पैसा यूज नहीं करेंगे, ठीक है. तो लोन के लोन रेज करके हम लोग बायबैक नहीं कर सकते. तो सिमिलरली डिबेंचर इशू करके हम लोग बायबैक नहीं कर सकते. फ्रेश इशू का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस या फिर ऐसे टाइप का इक्विटी शेयर जो कि हम लोगों का मतलब बायबैक का टाइप ऑफ इक्विटी शेयर से अलग होगा, ठीक है. अच्छा, अब यहां पर कैसे होगा, जैसे ये कंपनी कब फॉलो करेगी, जब कंपनी के पास फ्री रिजर्व जीरो होगा. सोचो मतलब ये एग्जांपल में जाए तो हमारे पास अगर सेविंग्स जीरो हो जाता है, ये सेम एग्जांपल में अगर हम लोग चले, तो अगर हम लोगों के पास जैसे वही वाला कंसेप्ट ले लो, हमें क्या लेना है, मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी बोलो, ठीक है, हमें लेना है लैपटॉप, ठीक है, कितने का, 40,000 का, ठीक है. तो हम लोग अगर अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं, जो कि कौन है, कंपनी एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट, और ये कौन है, ये कंपनी है, ठीक है. तो अगर हमें 40,000 का जो है मोबाइल सॉरी लैपटॉप लेना है, ठीक है, और हम लोग के पास कैश है 1 लाख. अब ये 1 लाख कैश कहाँ से आया, ये पूछा जाएगा, ठीक है. तो हम लोग बता रहे कि सेविंग्स हम लोग के पास जीरो है, पूरा का पूरा लोन का पैसा है, ठीक है, पूरा का पूरा लोन का पैसा है. लोन कहाँ से लिया है, किसी फ्रेंड से या फिर बैंक से लोन लिया होगा. तो क्या लोन से लैपटॉप खरीदोगे, मतलब लोन लेके लैपटॉप खरीदोगे, ये चीज जो है मतलब पेरेंट्स प्रोहिबिट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ऐसा मत करो, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, ठीक है. लॉजिकली सोच के देखो, क्या कोई ऐसा चाहेगा कि मतलब नॉर्मली एक एग्जांपल दे रहे, कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं बोलेगा कि जाओ लोन का पैसा खर्च कर दो लैपटॉप लेने के लिए, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, ये बोलेंगे, मान लेते हैं ये बोलेंगे कि ठीक है, हम तुम्हें जो है सेविंग्स तुम नहीं बचा पाए, हम तुम्हें फ्रेशली पॉकेट मनी देते हैं, तुम उससे लैपटॉप खरीद लो, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्रेश पैसा मिल रहा है हमें, किससे, पेरेंट्स से, ठीक है, पेरेंट्स से हमें फ्रेश पैसा मिल रहा है. उसी तरह से यहाँ पर अगर इस चीज को कंपनी अकाउंट के साथ हम लोग जोड़े, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपनीज एक्ट बोल रहा है, अगर तुम्हारे पास प्री रिजर्व नहीं है, सेविंग्स का मतलब प्री रिजर्व, तुम्हारे पास फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है, लोन का पैसा है, लेकिन लोन का पैसा से तुम बायबैक नहीं कर सकते हो. फ्री रिजर्व अगर नहीं है तो क्या करना है, फ्री रिजर्व नहीं है तो फ्रेश इशू करो, ठीक है, फ्रेश इशू करो. जैसे हमें फ्रेश पैसा मिल रहा था, फ्रेश पैसा मिल रहा था पेरेंट्स से, 40,000 मिल गया ताकि हम लोग लैपटॉप खरीद ले, वैसे हमें कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि फ्रेश इशू करो, ठीक है, फ्रेश इशू करो. तो फ्रेश शेयर इशू करो और उससे जो भी पैसा आएगा उससे बायबैक कर लो, ठीक है, उससे बायबैक कर लो. अच्छा, तो ये वाला ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, फ्रेश मनी हमें मिला फ्रॉम पेरेंट्स, कितना मिलेगा, जितना हमारा कॉस्ट ऑफ लैपटॉप है, लैपटॉप का कॉस्ट जितना है उतना ही हमें पेरेंट से पैसा मिल जाएगा, ठीक है. तो कंपनीज एक्ट के साथ रिलेट करोगे तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक, ठीक है. शेयर बायबैक करने का जो नॉमिनल वैल्यू होगा, जो भी शेयर हम लोग बायबैक कर रहे हैं उसका जो नॉमिनल वैल्यू होगा, वो हमें जो है उसका उतना हमें प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू से मिलना चाहिए, ठीक है. अच्छा, अब प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है वो भी देखो. प्रोसीड्स का मतलब कैश नहीं होता है, ठीक है. अगर हम लोग समझ रहे हैं कि प्रोसीड्स का मतलब कैश है, फ्रेश इशू कर दिया जो पैसा मिला, क्योंकि शेयर इशू करेंगे तो पैसा ही मिलेगा, चाहे प्रेफरेंस शेयर करो या फिर अलग टाइप का इक्विटी शेयर करो. तो अगर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या हमें प्रोसीड्स में कैश मिलता है, नहीं. प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, प्रोसीड्स का अपना एक अलग जो है डेफिनेशन है. प्रोसीड्स का मतलब है फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर. फेस वैल्यू और इशू प्राइस में जो कम होता है उसे ही प्रोसीड्स माना जाता है. जैसे मान लो फेस वैल्यू अगर इतना है, जैसे कि मान लो फेस वैल्यू है शेयर का 100, ठीक है, और इशू प्राइस है
सपोज 100, ठीक है, तो प्रोसीड्स कितना हो जाएगा, 100, ठीक है. अच्छा, अगर फेस वैल्यू है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर फेस वैल्यू है हम लोग का 100 और इशू प्राइस है 120, तो प्रोसीड्स कितना हो जाएगा, विच एवर इज लोअर उसी को प्रोसीड्स माना जाएगा, यानी प्रोसीड्स 100 हो जाएगा. और अगर फेस वैल्यू है 100 और इशू प्राइस है 90, तो प्रोसीड्स कितना माना जाएगा, 90 माना जाएगा, क्योंकि प्रोसीड्स का मतलब होता है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू. ठीक है, फेस वैल्यू का और एक नाम भी क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू, ये मत भूलो, क्योंकि ये सब तुम लोग बेसिक ऑफ कंपनी अकाउंट्स में कर चुके हैं, इसीलिए मैंने बेसिक का क्लास करने के लिए बोला था. ठीक है, तुम लोग नहीं किए थे ठीक से, वो बात अलग है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू एक ही चीज होता है. ठीक है, तो अगर नहीं किए हो तो अभी देख लो क्लासेस, जो भी बैकअप क्लासेस है. ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू एक ही बात होता है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या इशू प्राइस, उसमें से विच एवर इज लोअर उसी को प्रोसीड्स माना जाता है, जो कम होता है उसी को प्रोसीड्स माना जाता है. ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर देखो ऐसे करते हैं, ये सेकेंड वाला प्रोसेस हम लोगों ने सीखा. अच्छा, अब और एक मेथड होता है, मेथड नंबर थ्री. ठीक है, तो पहला मेथड क्या हो गया, अगर हमारे पास एनफ फ्री रिजर्व है तो हम लोग उससे जो है बायबैक कर सकते हैं. अब उसका रूल्स क्या है, पहले जितना शेयर बायबैक करना चाहते हैं उतने नॉमिनल वैल्यू का सीआरआर क्रिएट करो. सीआरआर क्रिएट करने के पीछे लॉजिक है कि जैसे मैंने बोला यहाँ पर समझाया कि अगर हम लोग मोबाइल फंड या लैपटॉप फंड बना लेते, जो भी खरीद हम लोग कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, पर्टिकुलर उसी पर्पस पे यूज करते हैं, तो सीआरआर का मतलब है रिजर्व से अमाउंट को ब्लॉक कर देना और उस अमाउंट से बायबैक करना. उसी तरह से फ्रेश इशू, अगर हमारे पास उतना रिजर्व नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेश इशू कर सकते हैं. ठीक है, और फ्रेश इशू से जो प्रोसीड्स होगा उससे हम लोग बायबैक कर सकते हैं. और थर्ड मेथड होता है कि अगर हमारे पास फ्री रिजर्व भी है लेकिन उतना नहीं है जितना हमें चाहिए. ठीक है, फ्री रिजर्व तो है लेकिन हमारे पास सफिशियंट फ्री रिजर्व नहीं है जिससे हम लोग बायबैक कर दे, तो हम लोग फ्री रिजर्व का थोड़ा यूज कर सकते हैं और जो है बाकी रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम लोग फ्रेश इशू कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड वन एंड टू. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड वन प्लस मेथड टू, मतलब प्री रिजर्व जिससे क्रिएट करना है सीआरआर, प्री रिजर्व का क्या करना है, सीआरआर क्रिएट करना है, और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, ठीक है, ये दोनों मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं. और ये दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक. ठीक है, क्योंकि दोनों केस में देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक होना चाहिए, यहां पर भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, यहां पर भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक या बायबैक. ठीक है, तो ये दोनों मिला के हम लोग जो है बायबैक कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे हमें इससे ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि हमें कितने सारे शेयर जो है फ्रेश इशू करने पड़ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि हम लोगों को बायबैक करना है 40,000 शेयर्स. ठीक है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें बायबैक करना है 40,000 शेयर्स जिसका नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज. ठीक है, तो या फिर 4,000 कर देते हैं, पीछे लिखते हैं. ठीक है, बायबैक करना है, बायबैक 4,000 शेयर्स नॉमिनल वैल्यू ₹10. ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना हो जाएगा, 4,000 × 10 = 40,000. अच्छा, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोगों के पास सपोज फ्री रिजर्व भी है लेकिन एनफ नहीं है. सपोज हम लोग के पास फ्री रिजर्व है 10,000 रुपीज का. ठीक है, लेकिन हमें तो 40,000 चाहिए, तो 10,000 का हम लोग क्या बना लेंगे, सीआरआर. सीआरआर कितने का बन जाएगा, 10,000 प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड्स चाहिए, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू. ठीक है, हमें फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू चाहिए, और यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक जो है वो तो है 40,000. ठीक है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू मान लेते हैं ₹1 होना चाहिए. ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40,000 - 10,000,
तो ये कितना हो गया 30,000, ठीक है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, फ्रेश इशू करके जो हमारे पास प्रोसीड्स आएगा वो 30,000 होना चाहिए। अब हम लोगों ने जो फ्रेश इशू किया है, ठीक है, जो फ्रेश इशू किया है शेयर, ठीक है, उसका इशू प्राइस है, सपोज उसका इशू प्राइस है 60 रुपीज, ठीक है, पर शेयर 60 रुपीज पर शेयर इशू प्राइस, ठीक है। और उसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है ₹50 पर शेयर, ठीक है। तो प्रोसीड्स कितना होगा, प्रोसीड्स पर शेयर कितना होगा, बताओ प्रोसीड्स पर शेयर कितना होगा। अभी अभी मैंने सिखाया इशू प्राइस और फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो मुझे बताओ कि अगर इशू प्राइस जो है, जो शेयर हम लोगों ने फ्रेशली इशू किया उसका इशू प्राइस है 60 पर शेयर, फेस वैल्यू 50 पर शेयर है, तो प्रोसीड्स पर शेयर कितना हो जाएगा, विच एवर इज लोअर, तो ऑब्वियसली 50 रुपीज होगा, ठीक है। तो प्रोसीड्स अगर 50 रुपीज है एक शेयर पे और हम लोगों के पास टोटल 30,000 रुपीज का प्रोसीड्स आया है, तो मुझे बोलो कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए, बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए। हम लोगों का पर शेयर से प्रोसीड से 50 रुपीज, टोटल प्रोसीड से 30,000, तो कितना शेयर इशू हुआ होगा, नंबर ऑफ शेयर्स फ्रेश इशू कितना हुआ होगा, बताओ। सिंपल कैलकुलेशन पूछा है मैंने, 30,000 हमें टोटल प्रोसीड्स मिला है, एक एक शेयर से प्रोसीड्स है 50 पर शेयर, तो कितने शेयर इशू हुए, ये तो नॉर्मल है, डिवाइड करने से 600, करेक्ट, 600 शेयर्स जो है हम लोगों ने फ्रेशली इसका मतलब इशू किया है। तो जब भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितना हुआ है कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो तुम लोग को प्रोसीड्स पे ध्यान देना चाहिए, इसीलिए मैंने इस चीज को बताया। प्रोसीड्स का मतलब सिर्फ रिसिप्ट कैश नहीं है, प्रोसीड्स को अलग तरीके से डिफाइन किया गया। प्रोसीड्स का मतलब होता है जो शेयर फ्रेशली इशू किया गया उसका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस, विच एवर इज लोअर। अब कभी कभी इक्वल हो सकता है, कम बेसी भी हो सकता है, लेकिन विच एवर इज लोअर दैट इज द प्रोसीड्स, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है हमें पूछा जा सकता है कि प्रोसीड्स कितने सारे शेयर्स जो है फ्रेश इशू किए गए थे, ठीक है। अच्छा, और फ्रेश इशू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे वो तो मैंने पहले ही बोला है क्या क्या इशू नहीं कर सकते, तो देखो यहाँ पर क्या क्या इशू नहीं कर सकते, यहाँ पर लिख देते रोही, ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज फ्रेश इशू, पहला, ए कंपनी कांट इशू सेम क्लास ऑफ शेयर्स, ए कंपनी कांट इशू डिवेंचर, लोन नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि बाईबैक से कंपनी को फायदा होता है, ठीक है। तो बाईबैक करके करने के लिए लोन लेना प्रोहिबिट कर दिया गया है, ठीक है, तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकती है। अच्छा, और रेवेन्यू रिजर्व तो मैंने समझा दिया, चलो अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ₹1,00,000, जनरल रिजर्व ₹1,00,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹3,00,000, नेक्स्ट लिखेंगे ए कंपनी वांट्स टू बाईबैक ₹3,00,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट द रेट ऑफ ₹25 पर शेयर, न्यू शेयर्स इशूड एट ₹120 पर शेयर्स, फेस वैल्यू इक्वल टू ₹100, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी
buyback by the company whose face value is rupees 10 per share at the rate of rupees 25 per share. समझाते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है. अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि एक कंपनी का बैलेंस शीट का कुछ डेटा दिया है. कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख है, जनरल रिजर्व में 1 लाख है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 3 लाख है, जिसमें से ये फ्री रिजर्व नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ बाई बैक इसे हम लोग फ्री रिजर्व मानते हैं. ठीक है, क्योंकि अलाउड है. ठीक है, पहले तो ये 3 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया. फिर बोल रहा है कंपनी वांट्स टू बाय बैक 3 लाख शेयर्स ऑफ टेनिज. कंपनी चाह रही है कि वो 3 लाख शेयर्स बाय बैक करे. ठीक है, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता है. पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो बाय बैक का मेथड है, क्या हम लोग उसमें सेटिस्फाई कर पा रहे हैं 3 लाख शेयर्स को बाय बैक करने के लिए. क्या हमारे पास फ्री रिजर्व है उतना? अच्छा, अगर फ्री रिजर्व नहीं है तो क्या फ्रेश इशू कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो चीज देखना पड़ेगा. तो बोल रहे कि कंपनी 3 लाख शेयर्स बायबैक करना चाहती है, जिसका नॉमिनल वैल्यू है 10 और बायबैक प्राइस रखा है इन्होंने 25 रुपीज ऑफर किया है बायबैक के लिए. न्यू शेयर्स भी इशू किया है जो कि 120 पर शेयर है. ये हो गया इशू प्राइस और ये है फेस वैल्यू. जो नया शेयर इशू किया गया है उसका फेस वैल्यू है 100 रुपया और जो बायबैक सॉरी जो इशू प्राइस है वो है 120. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बायबैक बाय द कंपनी हूज फेस वैल्यू इज 10 पर शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 25. क्या कंपनी 3 लाख शेयर बायबैक कर पाती है कि नहीं, वो हमें चेक करना है. तो ठीक है, देखो चेक करके देखते हैं. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फ्री रिजर्व है. फ्री रिजर्व को क्या करना है, हम लोग दोनों चीज का एडजस्टमेंट करेंगे. क्योंकि देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक कितना हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक हो रहा है 3 लाख × 10 30 लाख. तो हमारे पास 30 लाख का फ्री रिजर्व है नहीं, 1 लाख 1 लाख 2 लाख और यहाँ पर 3 लाख 5 लाख हो रहा है. समझ के देखो, अगर हमें फ्री रिजर्व का यूटिलाइजेशन करना है तो फ्री रिजर्व का क्या करना है, सबसे पहले फ्री रिजर्व को CRR में क्रिएट करना है. CRR कितना क्रिएट करेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक. बायबैक इतना सारा शेयर करना चाहते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना होगा, 3 लाख × 10 तो 30 लाख. 30 लाख का तो हमारे पास फ्री रिजर्व है नहीं, तो फिर हमें फ्रेश इशू करना पड़ेगा. तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो जाएगा. तो फ्री रिजर्व जिससे हमें CRR क्रिएट करना है प्लस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, ये दोनों चीज का हमें हेल्प लेना पड़ेगा अगर हम लोग बायबैक करना चाहते हैं. इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक. ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना हो रहा है, 3 लाख × 10. ठीक है, अच्छा फ्री रिजर्व हमारे पास कितना है, फ्री रिजर्व में PL है 1 लाख, GR है 1 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम है 3 लाख. तो ऐसे लिखेंगे, GR 1 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 लाख. ये सब फ्री रिजर्व में है और ये सभी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं CRR में. तो 3, 4, 5 लाख. ठीक है, 5 लाख हम लोग CRR में ट्रांसफर कर दिए, मतलब 5 लाख का हम लोग जो है बायबैक कर सकते हैं, लेकिन हमें 30 लाख चाहिए. प्लस लिखते हैं प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, मान लेते हैं X है. ठीक है, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 लाख. ये तो 30 लाख निकल के आ रहा है, माइनस 5 लाख. तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25 लाख. ठीक है, तो हमें 25 लाख चाहिए फ्रेश इशू से, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू हमें 25 लाख चाहिए. तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने सारे शेयर्स हम लोग इशू कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड. ठीक है, तो टोटल प्रोसीड्स कितना चाहिए, 25 लाख. ठीक है, प्रोसीड्स पर शेयर कितना है, प्रोसीड्स पर शेयर. ठीक है, प्रोसीड्स पर शेयर कितना होगा, यहाँ पर जो शेयर इशू किया गया है उसका फेस वैल्यू इतना और नॉमिनल वैल्यू इतना और इसका इशू प्राइस इतना. तो नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, तो 100 रुपीज प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना हो जाएगा, पर शेयर रुपीज 100. ठीक है, रुपीज 100 पर शेयर. तो हम लोग कितने सारे शेयर जो है इशू कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड
इज 25 लाख हमें प्रोसीड्स चाहिए, ठीक है, और एक एक शेयर्स पे प्रोसीड है 100 रुपीज, तो हम लोगों का 25,000 शेयर्स फ्रेश इशू करना पड़ेगा अगर हम लोग इतना बाईबैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जहां से हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया, जैसे कि इसके पहले भी मैंने ऐसे ही दिखाया, लेकिन ये पूरा एक छोटा सा एग्जांपल था जहां पर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितना हमें फ्रेश इशू करना चाहिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी, ये बाईबैक नहीं होगा, इसे लिखो दैट कैन बी इशू by the company, calculate the number of equity share that can be issued by the company for buyback, for buyback, ठीक है, for buyback of share, share buyback करने के लिए कंपनी कितना सारा फ्रेश इशू कर सकती है, करना पड़ेगा, बेसिकली करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है जहां पर हमें यह कैलकुलेट करना पड़ता है कि कंपनी किस तरह से जो है कितना सारा शेयर जो है फ्रेशली इशू कर सकती है, ठीक है। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने कैलकुलेटिव पार्ट तो देख ही लिया, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर एक, यहाँ पर नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं, कंपनी कांट मेक ए फर्दर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज विद इन ए पीरियड ऑफ within a period of 6 months, ठीक है, 6 months के अंदर कंपनी जो है इस तरह का फ्रेश इशू नहीं कर पाएगी जिस तरह का शेयर वो बाईबैक कर रही है, ठीक है, एक्सेप्ट बाय पहला बोनस इशू कर सकती है, डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन लाइक कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर इन इक्विटी शेयर। समझाते हैं क्या लिखा है, एक रूल्स है, रूल्स क्या है कि कंपनी फर्दर इशू नहीं कर सकती है सेम काइंड ऑफ शेयर और अदर सिक्योरिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने के अंदर बाईबैक करने के बाद 6 महीने के अंदर कंपनी जिस तरह का शेयर बाईबैक की है, बेसिकली इक्विटी शेयर का ही बात होगा, इक्विटी शेयर जिस तरह के इक्विटी शेयर को बाईबैक किया उस तरह का इक्विटी शेयर कंपनी फर्दर इशू नहीं कर सकती है अगले 6 months, ठीक है। लेकिन कंपनी अगर बोनस इशू करना चाहे तो कर सकती है, सेम टाइप ऑफ शेयर पे बोनस इशू करना चाहे तो कंपनी कर सकती है, या फिर कंपनी का कोई ऐसा ऑब्लिगेशन है, जैसे कंपनी ने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा था। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है जब हम लोग बेसिक्स का क्लास कर रहे थे। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है जो शेयर फ्यूचर में जाके किसी एक टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा किसी शेयर में, जैसे मान लो इक्विटी शेयर में, अगर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन कंपनी ने पहले ही दे रखा था तो वो कंपनी कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर को चेंज कर सकती है इक्विटी शेयर में, तब ये वाला नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। या फिर कंपनी ने कोई कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रखा था, कंपनी ने बोला था कि इतने दिन बाद आपका ये डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, और मान लो वो इक्विटी शेयर का क्लास जो है वैसा ही है जैसे इक्विटी शेयर हम लोगों ने बाईबैक किया, तो कंपनी कर सकती है क्योंकि ये पहले का ऑब्लिगेशन है, तो पुराना ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने के लिए सेम टाइप ऑफ शेयर इशू कर सकती है, लेकिन फ्रेशली वैसा शेयर 6 months तक इशू नहीं कर सकती है, लेकिन बोनस चाहे तो कर सकती है, और अगर कोई ऑब्लिगेशन है जैसे कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो वो कर सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे और एक पॉइंट लिखेंगे,
no company can buy back, no company can buy back its own share. ठीक है, कोई कंपनी जो है अपना शेयर बायबैक नहीं कर सकती. मतलब अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी अपना शेयर बायबैक कर सकती है, तो कौन कौन सा नहीं, मतलब कैसे नहीं कर सकती है? पहले लिखते हैं तो समझ जाओगे. देखो, थ्रू सब्सिडियरी कंपनी. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी. If company is in any default, ठीक है, तो लास्ट वाले पॉइंट से बताते. कंपनी अगर कोई डिफॉल्ट में है, मतलब कंपनी ने कोई पेमेंट वगैरह किस कुछ बाकी रखा है और कंपनी बोल रही है हम बायबैक करेंगे, मेरे पास बहुत पैसा है हम बायबैक करेंगे, लेकिन इधर कंपनी ने अपना ऑब्लिगेशंस पूरा नहीं किया है, कुछ पेमेंट वगैरह बाकी रखा है टैक्स का, ये वो, तो नहीं चलेगा, तो बायबैक नहीं कर सकती. कंपनी अगर कोई डिफॉल्ट में है तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है. कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी के थ्रू से या फिर कोई अपना इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, उसके थ्रू से कंपनी जो है बायबैक नहीं कर सकती है. तो कंपनी बायबैक कैसे नहीं कर सकती अपना शेयर? नॉर्मली हमेशा कंपनी अपना शेयर बायबैक कर सकती है, लेकिन किसी अपनी सब्सिडियरी कंपनी के थ्रू से या इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू से या फिर अगर डिफॉल्ट कर रखी है तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और एक पॉइंट लिखवा देते हैं, प्रोहिबिशन. A company can't buy back shares if it has not complied with. ठीक है, कंपनी अगर ये जो नीचे का लिस्ट लिखेंगे इसके साथ एक्ट पर नहीं हो रखी है तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती. जैसे कि एनुअल रिटर्न, अगर अपना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही है तो कंपनी बायबैक नहीं कर पाएगी. दूसरा, फेलियर टू पे डिक्लेयर्ड डिविडेंड. ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था और वो पेमेंट नहीं किया और बोल रहा है मेरे पास बहुत कैश है हम बायबैक करेंगे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो पहले का ऑब्लिगेशन क्लियर करो. एनी अदर प्रोविजन नॉट फॉलोड, कुछ प्रोविजन्स, मैंडेटरी प्रोविजन्स है, कंपनी वो फॉलो नहीं कर रही है, प्रोविजन में पैसा नहीं रख रही है और बोल रही है मेरे पास सरप्लस कैश है हम बायबैक कर देंगे, ऐसा नहीं होगा. तो एनी अदर प्रोविजन नॉट फॉलोड एज प्रेस्क्राइब्ड बाई कंपनीज एक्ट और सेबी. कंपनीज एक्ट या सेबी के तरफ से अगर कोई प्रोविजंस करने के लिए बोला गया है और कंपनी नहीं कर रही है और बोल रही है मेरे पास इतना पैसा हम बायबैक कर देंगे, तो कंपनी बायबैक नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो कंपनी को बायबैक करने नहीं मिलेगा. तो ये प्रोहिबिशंस हो गया. नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कंप्लायंस. पहले लिखेंगे लिस्टेड कंपनी. Buyback should be in compliance with SEBI regulation. देखो, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसपे तो सेबी एप्लीकेबल होगा, तो सेबी का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसके साथ एड पर होना पड़ेगा बायबैक करने के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी को. ठीक है, अच्छा, और प्राइवेट कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी बायबैक कर सकती है. प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, इसके लिए इनको किसके साथ एड पर होना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखते हैं रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट. इनके ऊपर सेबी का रूल्स एप्लीकेबल, रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में जो बोला गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी को. ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग, ये हो गया कंप्लायंस, और एक पॉइंट लिखवाते हैं नॉन कंप्लायंस.
नॉन कंप्लायंस, अगर कंप्लायंस नहीं होती है कंपनी तो उनपे क्या क्या पेनल्टी लग सकता है? मतलब सेबी का रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, लिस्टेड कंपनी है, बायबैक कर डाला, तो क्या होगा? प्राइवेट या अनलिस्टेड कंपनी है और बायबैक किया है लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा? तो यहाँ पर लिखते हैं डिफॉल्ट होने पर क्या होगा, डिफॉल्टिंग कंपनी, डिफॉल्टिंग कंपनी हैज टू पे फाइन, मतलब पेनल्टी 1 लाख से 3 लाख, ठीक है, इतना उन्हें पे करना पड़ता है, प्लस जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर है उनको जेल होगा, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 3 years और फाइन 1 लाख से 3 लाख और बोथ, ठीक है, ऐसे लिखते हैं और बोथ, मतलब या तो 1 लाख से 3 लाख फाइन देना पड़ेगा प्लस डिफॉल्टिंग ऑफिसर को जेल हो सकता है, ठीक है, अप टू 3 इयर्स तक, या फिर 1 लाख से 3 लाख फाइन देना पड़ सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, मतलब फाइन भी भरो और जेल भी जाओ, ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, और कभी भी बायबैक के लिए बोरोड फंड किसी तरह से, चाहे डिबेंचर हो चाहे बैंक से लोन हो, ये सब हम लोग नहीं कर सकते, तो इसके लिए लिखवा ही देते हैं बोरोड फंड आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड, क्योंकि हम लोग पब्लिक का पैसा लेके अपना बायबैक नहीं कर सकते, आर नॉट अलाउड इन बायबैक प्रोसेस या फिर प्रोसीड्योर, बायबैक प्रोसीड्योर में किसी तरह से बोरोड फंड का कभी यूज नहीं होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट और एक पॉइंट लिखवाएंगे, बायबैक रजिस्टर हैज टू बी maintained by company and such entries will be authenticated by a qualified CS or any other person as authorized, ठीक है, तो बायबैक से रिलेटेड जो भी रजिस्टर है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्डिंग वगैरह है, वो सब चीज जो है क्वालिफाइड सीएस के थ्रू से जो है ऑथेंटिकेटेड करवाना पड़ेगा, या फिर ऐसे किसी पर्सन के थ्रू से, सीएस अगर नहीं है तो ऐसे किसी पर्सन के थ्रू से जो कि इस काम को करने के लिए ऑथराइज्ड है, ठीक है, जो कि इस काम को करने के लिए ऑथराइज्ड है, उनके थ्रू से हम लोग क्या करवा सकते हैं, बायबैक के रजिस्टर को मेंटेन करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉइंट है, क्योंकि कभी अगर छोटे छोटे क्वेश्चन इससे आ जाता है तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बायबैक, और एक पॉइंट लिख लेते हैं बायबैक करने के लिए, और भी छोटा सा क्वेश्चन हम लोग आ सकता है तो लिख लेते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है बायबैक करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन is required to be passed at annual general meeting में, AGM में special resolution pass करवाना पड़ेगा अगर हमें buyback करवाना है तो, ठीक है। Next हो जाता है if buyback is अप टू 10%, ठीक है, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है,
अगर हम लोग बायबैक करना चाहते हैं 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का, मतलब एक बार समझो ये फ्री रिजर्व जो है, फ्री एक्चुअली कैपिटल तो सिर्फ कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व होता है। तो अगर हम लोग 10% अमाउंट में बायबैक करना चाहते हैं, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी बीओडी रिजोल्यूशन इज एनफ टू एग्जीक्यूट बाईबैक। ठीक है, बाईबैक अगर 10% तक शेयर्स का हो रहा है तो बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन जो है वो काफी है। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बाईबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन। ठीक है, तो जो रिजोल्यूशन मतलब नॉर्मली स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, ठीक है, तो या फिर अगर 10% तक है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन, जो भी हो रिजोल्यूशन जैसा भी हो, वो पास होने के बाद 12 मंथ्स के अंदर बायबैक कर लेना पड़ेगा। उससे ज्यादा टाइम हम लोग उसके बाद हम लोग बायबैक नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आज रिजोल्यूशन पास होता है, आज है 15 जून 2023, तो 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है, 12 मंथ्स के अंदर हमें ये बायबैक जो है कंप्लीशन कर लेना है, यही रूल्स होता है, 12 मंथ्स के अंदर बायबैक कंप्लीशन कर लेना है। फिर नेक्स्ट देखेंगे गैप ऑफ 12 मंथ्स बिटवीन टू बायबैक। ठीक है, अगर हम लोग कंटिन्यूअसली दो बार बायबैक करते हैं तो कम से कम 12 मंथ्स का गैप होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक बार हमारा रिजोल्यूशन पास हुआ, जैसे कि मान लो एक बार हमारा रिजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, उसके बाद बायबैक कब होगा, एट 12 मंथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद बायबैक कब होना चाहिए, विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, फिर से हम लोग बायबैक करना चाहते हैं तो आफ्टर 12 मंथ। ठीक है, फिर आफ्टर 12 मंथ हम लोग सेकेंड बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड बायबैक कर सकते हैं, तो वही बोला गैप ऑफ 12 मंथ्स बिटवीन टू बायबैक। ठीक है, दो बायबैक के बीच में 12 मंथ्स का गैप होना चाहिए, तो पहला बायबैक सेकेंड बायबैक, और कोई भी बायबैक करते हैं तो रिजोल्यूशन पास होने के बाद 12 मंथ्स के अंदर हमारा बायबैक हो जाना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे सॉल्वेंसी पोजिशन must be declared by company to the ROC, registrar of company, signed by at least two directors out of which one must be a managing director. ठीक है, कंपनी को अपना सॉल्वेंसी पोजीशन डिक्लेयर करना पड़ेगा आरओसी के पास, और ये जो डिक्लेरेशन रहेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो होता है SH9। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं जो फॉर्म होता है, इन फॉर्म, कौन से फॉर्म में होता है, फॉर्म का नाम होता है फॉर्म SH9। ठीक है, SH9, इस फॉर्म में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कंपनी को, कि हम सॉल्वेंट है, कंपनी को देना पड़ेगा डिक्लेरेशन सॉल्वेंट है, और ये साइन करवाना पड़ेगा एटलीस्ट कंपनी के दो डायरेक्टर, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना ही चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ही कंपनी जो है अपना ये सब प्रोसेस फॉलो करेगी, तभी वो बायबैक कर सकती है, अदरवाइज वो बायबैक नहीं कर सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने थियोरिटिकली जो भी होता है ना सारा चीज कंप्लीट कर लिया, कि जो भी हमारे क्वेश्चन में नॉर्मली आ सकता है थियोरिटिकली भी किया, और थोड़ा सा मैथमेटिकल भी देखा कि अगर हम लोग बायबैक करते फ्री रिजर्व से तो कैसे होगा, अगर हम लोग बायबैक करते हैं फ्रेश इशू से, और अगर दोनों चीजों को एडॉप्ट करते हैं तो कैसे होगा, ये सारा चीज देखा। अब हमारा एक लिमिटेशन भी होता है बायबैक का, कि कंपनी जितना मन चाहे शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं कि कितने भी ह्यूज मतलब सारा शेयर्स बायबैक कर दिए, ऐसा नहीं होता है, उसका एक लिमिटेशन है, उसका एक रूल्स है। ठीक है, तो उस रूल्स के हिसाब से कंपनी को बायबैक करना पड़ेगा। तो जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कंपनी एक बार में मैक्स
मैक्सिमम कितना शेयर्स बायबैक कर सकती है, मतलब कौन सा हो गया कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सोचा ना कि कंपनी बायबैक करना चाहती है 30,000 शेयर्स, जैसे ये वाला एग्जांपल था, ठीक है, कंपनी बायबैक करना चाहती 30,000 3 लाख शेयर्स, ठीक है। तो अभी हमें ये चेक करने के लिए सीखना पड़ेगा कि एक कंपनी एट ए टाइम कितना सारा शेयर्स बायबैक कर सकती है, उसके लिए तीन रूल्स है, तीनों रूल से हमें आंसर निकालना पड़ेगा, तीनों रूल से हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं और जो सबसे लोअर वैल्यू देगा उतना ही शेयर्स हम लोग बायबैक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी पे मेनली मैथमेटिकल क्वेश्चन इसी पे आता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी पे मैथमेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, थियोरेटिकल और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये काफी है, एमसीक्यूज के लिए भी काफी है, अगर एमसीक्यूज जो होगा उसके लिए, और जो हमारा अगर थियोरेटिकली भी पूछे तो तुम लोग जो भी कंसेप्ट सीखे हो इससे आराम से लिख सकते हो, अगर किसी का जो है रिटन क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।